أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشهري لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم لعن قتلة تامير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सलाम्कम वरह थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ये वो दिन है कि जिन दिनों में हम हमारे मौला वाक़ा अमीरमिन इमाम की शहादत का गम मना रहे हैं कल उनकी शहादत का दिन था इक्कीसवीं माह रमज़ान अल्लाह अमिरमिन को शहीद करने वालों पर जो है लानत बेशुमार करें इबिन मुलजिम पर बेशुमार लानत करें जो दो असहाब कराम जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं आज वो अमीर उमबिन के ख़ास असाब में से थे और जिनके नाम है जनाब कोमैल अबिन ज़्यादिन ख़ैई और जनाब बिन नबाता कल शब जुमा था आप सब ने जो है यकीन दुआ कोमैल पढ़ी या सुनी होगी कि जो दुआ कोमैल आई है हम तक वो अमीरमिन के थ्रू जनाब कोमैल इब्न ज़िया ने जो है अमीरमिन से जो है दुआ सीखी थी इसीलिए हम इसे दुआ कोमैल कहते हैं जनाब कुमैल बिन जियाद को अमर उमिन अपने कई सारे सीक्रेट्स भी जो है बताते थे नॉलेज के जी जो सीक्रेट्स थे अमीर लोग रेडी नहीं थे अमीर उलमिन के बात सुनने और अमीरमिन जो है उनके पास इतना ख़जाना था तो वो जो है अपने कुछ ख़ास अब जैसे जनाब कुमैल बिन जियात उनको जो है अपने कई सारे नॉलेज सीक्रेट्स जो है बताया करते थे और इसीलिए जनाब कुमैल जो है वो उनके ख़ास साहबियों से थे जब अमीर उमिन की शहादत हो गई इमाम हसन का दौर हो गया इमाम हुसैन का दौर हो गया और जब मलाउन मिला जिबन यूसुफ़ सखफ़ी लानतल का दौर आया जो अहल बैत के चाहने वालों को दर्दनाक तरीके से बहुत सारों को कत्ल करता था तो उसने जो है कहा कि अब जितने भी अमीरमिन के ख़ास साहबी उनको ढूंढना शुरू करो और उसने जनाब कुमैल बिन जियाद के नाम स्पेशल वारंट निकाला कि इनको ढूंढ कर लाऊं। लेकिन जनाब कुमैल बिन जियाद जो है वो इसके खौफ से जो है छुप गए ताकि वो जो है उसे कत्ल न कर सके तो जो जो बंद कर दिया कहा तो मुझे पता चला मैं मेरी वजह से इन लोगों पर जुल्म नहीं होने दे सकता तुम तो इनका शुरू कर दो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं तो हजाज ने कहा कि मैं जो है तुम्हें कत्ल कर दूंगा मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि तुम्हें कत्ल करू तो जनाब कुमैल देखिए दिस दिस वाज़ द पावर जो अमीर उलमिन के साथ रहकर जनाब कुमैल को आ गया कि जालिम सामने खड़ा है जो उनको कत्ल करने वाला है फिर भी वो किस तरह से जो है उससे जो है बा, बात कर रहे हैं तो जनाब कुमैल कहते हैं यकीन तो मुझे कत्ल करेगा बहुत कम दिन मेरी ज़िंदगी के बच गए और जब हम दोनों इस दुनिया से चले जाएंगे तब हम असली जो मालिक है असली जो जज है उसके कोर्ट में हाजिर होंगे और वहाँ जो है हमारा फैसला होगा जब हजाज ने यह सुना तो बहुत जो है गुस्से में आ गया और उसने जो है जनाब कुमैल बिन जियाद को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और जनाब कोमैल बिन जियाद शहीद हो गए और उनकी जो क़ब्र है जो उनका जो मज़ार है आज जो नजफ़ अशरफ अल्लाह आप सबको जियारत नसीब फ़रमाए जब अमीर उमीन की ज़ियारत के लिए ज़ायरीन जाते हैं तो जनाब कुमैल बिन जियाद के रोज़े पर भी जाकर उनकी ज़ियारत करते हैं एटी थ्री हिजरी में नाइन्टी इयर्स ऑफ एज पर जनाब कु बिन जियाद नखई इस दुनिया से शहीद कर दिए गए जो तो दूसरे जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है जनाब असबक बिन नबाता जनाब अजबक बिन नबाता अमीर क्लोज सहाबियों में से थे और उनके उनके जो है उनके चुने हुए लोगों में से थे यहाँ तक कि जब अमीर की शहादत हो रही थी तब जब इमाम हसन ने सबसे कहा कि अब तुम चले जाओ तो सब चले गए लेकिन जनाब असबक बिन नबाता जो है इतने क्लोज थे इमाम से कि वो जो है घर के बाहर बैठकर रो रहे थे कंटिन्यूस रो रहे थे कंटिन्यूस रो रहे थे तब अमीर ने जनाब अजबक को ख़ास अपने पास बुलाया और जो उनसे बात की थी जनाब अजबक बिन नबाता अमीरमिन की आर्मी में जो है एक एक ख़ास पोजिशन रखते थे कुछ उलमा उन्हें जो है शुरुत में भी जो इनकलूड करते हैं कि वो जो है एक पर्टिकुलर आर्मी के हिस्से में से थे जनाब असबक बिन नबाता जो है बहुत क्लोज थे और उनसे जो है कई अहादीसे जो है अहिल बैतुमसम की बयान है इन शह कल फिर मुलाकात करेंगे दो नए असहाब की स्टोरी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आज शब कद्र है कई रवायतों में मेन्शन है कि आज की रात तीसवीं की शब जो है वो शब वही है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ है ये जो है शब क़द्र है प्लीज़ प्लीज़ कोशिश करें कि आज की रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें कोशिश करें कि अपने ज़माने के इमाम को अपनी दुआओं में न भूलें अपनी फैमिली को अपने पेरेंट्स को अपने दोस्तों को अपने भाई बहनों को जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, तमाम मुमिन मोमिनात को अपनी दुआओं में याद रखें पूरे साल की तकदीर जो है इस रात में फ़ाइनल होती है और अगर गलती से याद आ जाए तो इस हकीर को भी जो है आपकी दुआओं में याद रखें ان شاء الله کل پھر ملاقات کریں گے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ التماس واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين بر محمد و ال محمد صلوات اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم